अनेकता में एकता भारतीय संस्कृति इतिहास कला और लोगों के जनजीवन से रूबरू होने के लिए 5 जनवरी 2022 को साइकिल से देश भ्रमण पर निकले बागेश्वर गरुड़ के निवासी भास्कर का हल्द्वानी पहुंचने पर पहाड़ी आर्मी ने जोरदार स्वागत किया। भास्कर ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि उन्होंने भारत के किस राज्यों में साइकिल से भ्रमण किया और बेहद कम खर्चे में उन्होंने अपनी यात्रा पूरी की। भास्कर ने बताया कि किस राज्यों में भ्रमण करने पर उनको पूरे 1 साल 1 महीने का समय लगा है। इस दौरान उन्होंने कई राज्यों की संस्कृति और परंपराओं को समझा और उन लम्हों को जिया है। हल्द्वानी पहुंचने पर पहाड़ी आर्मी संगठन द्वारा भास्कर भंडारी का स्वागत और माल्यार्पण कर सम्मानित किया। पहाड़ी आर्मी संगठन के संस्थापक अध्यक्ष हरीश रावत ने कहा कि भास्कर आज के उन युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं जो अपने जीवन में कुछ नया करने की चाह रखते हैं। बहरहाल भास्कर ने क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। पिछले 1 साल से यानी कि 5th of January 2022 से ऑल ओवर इंडिया साइकिल से ट्रैवल कर रहा हूँ, जिसमें मैं अभी तक 21 स्टेट्स कवर कर चुका हूँ एंड 12,000 किलोमीटर मैं कवर कर चुका हूँ। हालांकि मेरा टारगेट था 10,000 किलोमीटर बट मैं 12,000 किलोमीटर कर चुका हूँ। मोटिव मेरा ये था कि मैं चाह रहा था कि अलग अलग स्टेट्स में जाके कुछ आइडियाज़ लेके कुछ बिजनेस मैं स्टार्टअप करना चाह रहा था। एंड सेकेंडली मैं चाहता हूँ कि अलग अलग कल्चर्स के लोगों से मिलके उनके कल्चर्स को मैं अपनाऊँ और समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या उनकी कल्चर्स में डिफरेंस है और अपने उत्तराखंड के कल्चर्स को मैं उन लोगों तक कैसे पहुँचा सकता हूँ एंड लोग कितने टफ से टफ सिचुएशंस में रह रहे हैं और मैं कितना अपने आप को हैंडल कर सकता हूँ टफ सिचुएशन में जाके, ये मेरा मोटिव था। एंड जो मुझे इंस्पायर्ड जिससे मैं हुआ वो बेसिकली बेयर ग्रिल्स एक मैन वर्सेस वाइल्ड एक डिस्कवरी का शो है, उनसे मैं काफ़ी इंस्पायर्ड हुआ हूँ कि आप सर्वाइवल कैसे कर सकें अलग अलग सिचुएशन में। इससे पहले मैं एक्टिंग फील्ड से था जिसमें मैंने कुछ मूवीज़ किए थे लाइक द कश्मीर फाइल्स जो काफ़ी ट्रेंड पे रही है अभी, उसमें मैं एज ए ब्लड डोनेटर मैं वर्क कर चुका हूँ। तो उसी सेविंग से मैं अपना इंडिया का ट्रैवल कर रहा था। तो मैं कुछ इस तरीके से ट्रैवल करता हूँ कि कम से कम पैसे में मैं इंडिया ट्रैवल कर सकूँ। तो मेरा एक मिनिमम बजट रहता था कि 50 रुपये से ऊपर मैं खर्च नहीं करूँ, जिसमें मैं 10 के चावल 10 के दाल और 10 के प्याज टमाटर लेके मैं कवर करता था। बट इंडिया के लोगों से इतना सपोर्ट मिला कि मुझे इतना भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और अगर मैं सरप्राइजिंगली बताऊं तो पूरे 1 साल में 5,700 रुपीज़ मेरा खर्च हुआ था ओनली। सो एक मैसेज मैं देना चाहूँगा कि जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं और एक रियल एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो प्लीज़ पैसे की वजह से अपने आप को मत रोको, क्योंकि आप इंडिया में ट्रैवल कर सकते हो। इंडिया ट्रैवल करना बहुत ईजी है बट अपना बिहेवियर अच्छा रखो, यू कैन ट्रैवल ईजीली। आगे बेसिकली कुछ महीने के लिए मैं रुकना चाहता हूँ, कुछ रिसर्च मुझे करने हैं और उसके बाद मैं फिर से ट्रैवल करने वाला हूँ इंडिया के बचे हुए लोकेशंस पे और आउट ऑफ इंडिया जितने भी कंट्रीज़ मैं कवर कर सकूँ, ये मेरा प्लान है।